welcome to video lectures this is an isr initiative by sivananda sarma memorial rv college ssm rv college one of the premier institutes run by the prestigious rv group of institutions has come up with a unique initiative to engage students at the time of this unforeseen medical emergency caused by corona outbreak as a socially responsible institution we would like to connect academically with students to make good the losses caused

प्रस्तुत कविता में गोरख पांडे जी ने पूरी संवेदना के साथ औरत की ऐतिहासिक पीड़ा का चित्रण तो किया ही है साथ ही साथ पूरे पुरुष समाज को खटकरे में खड़ा कर दिया है कवि कह रहे हैं कि दुनिया की घर घर में दीवारें हैं और उन दीवारों में खिड़कियाँ भी हैं जो हमेशा औरतों के लिए बंद रहते हैं अर्थात औरतों को घर के चार दीवारी के अंदर ही रहना है और वह उन्हीं बंद खिड़कियों से अपना सिर टकराकर बहुत भीषण स्थिति में रहती है नई बहू है घर की लक्ष्मी है इनके सपनों की रानी है कुल की इज्जत है आधी दुनिया है जहाँ अर्चना होती है उसकी वहाँ देवता रमते हैं, वह सीता है सावित्री है वह जननी है स्वर्गादपि गरीयसी है प्रस्तुत कविता में कवि स्त्री को संबोधित करते कह रहे हैं कि जब स्त्री शादी करके आती है तब वह नए घर की बहू बन जाती है फिर घर की लक्ष्मी भी वही होती है और पति के सपनों की रानी होती है कुल की इज्जत भी उसी को माना जाता है आधी दुनिया वही हो जाती है पति का जहाँ स्त्री अर्चना होती है उनकी अर्थात जहाँ स्त्री को सम्मान मिलता है वहाँ देवता खुश हो जाते हैं वही स्त्री सीता है सावित्री है वह जननी है जननी का मतलब है जन्म देने वाली माँ और वही स्वर्गाद्यपि गरीयसी है स्वर्गाद्यपि गरीयसी का मतलब है जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने वाली औरत ही है लेकिन बंद खिड़कियों से टकराकर अपना सिर लहलुहान गिर पड़ी है वह कानूनन समान है वह स्वतंत्र भी है बड़े बड़ों की नजरों में तो धन का एक यंत्र भी है भूल रहे वे सबके ऊपर वह मनुष्य है जो औरत हर किसी के जीवन को स्वर्गादपी गरीयसी अर्थात स्वर्ग रूप बनाने वाली औरत है वह बहुत बुरी तरह से घर के अंदर चार दीवारों के अंदर जी रही है कानून के हिसाब से तो स्त्री पुरुष दोनों समान हैं और वह स्वतंत्र भी है कुछ बड़े बड़ों की नजरों में तो स्त्री पैसा कमाने वाली यंत्र है यंत्र का मतलब यहाँ पर मशीन है और इन सभी में लोग ये भूल जाते हैं कि वह भी एक मनुष्य है दुनिया में वो भी खुशी से जीना चाहती है उसे चाहिए प्यार चाहिए खुली हवा लेकिन बंद खिड़कियों से टकराकर अपना सर लहलुहान गिर पड़ी है वह प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि औरत को प्यार और खुली हवा चाहिए अर्थात घर वालों का प्यार और स्वतंत्रता चाहिए लेकिन औरत होने के कारण उसे ना तो घर वालों का प्यार मिलता है ना स्वतंत्रता मिलती है हमेशा रीति रिवाजों के विचार में उसको घर के अंदर बांध कर रखा जाता है और अपने आप को बंद खिड़कियों में पाकर बहुत दुखी है और चाह रही है वह जीना लेकिन घुट घुट कर मरना भी क्या जीना घर घर में शमशान घाट है घर घर में फांसी घर है घर घर में दीवारें हैं, दीवारों से टकराकर गिरती है वह कभी कहते हैं कि औरत भी जीना चाहती है लेकिन जैसी जिंदगी वह जी रही है वह भी क्या जिंदगी है जैसे घुट घुट कर मर रही है उसे हर घर एक शमशान घाट और हर घर फांसी का घर लग रहा है हर घर में औरतें उन्हीं दीवारों से टकराती है और गिरती है अर्थात हर घर में औरतों की स्थिति बहुत ही भीषण है गिरती है आधी दुनिया सारी मनुष्यता गिरती है हम जो जिंदा है हम सब अपराधी है हम दंडित है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पुरुष समाज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जैसे ही घर में औरतें गिरती है तो हमें समझना चाहिए कि आधी दुनिया ही गिर गई है और उसके साथ साथ दुनिया से मनुष्यता भी गिर जाती है औरत को ऐसी ज़िंदगी देकर हम जो लोग जिंदा है अथवा जी रहे हैं हम सब उसके अपराधी हैं और हमें इस अपराध के लिए दंड मिलना चाहिए थैंक यू